पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित श्री कटास राज मंदिरों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के तीर्थयात्रियों के समूह को 112 वीजा जारी किए गए। धार्मिक स्थलों की यात्रा के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के अंतर्गत प्रतिवर्ष भारत से हिंदू और सिख तीर्थयात्री पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तानी तीर्थयात्री भी इसके तहत भारत आते हैं। इसी बीच तीर्थयात्री 6 मार्च से पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, वहीं 12 मार्च तक इनका तीर्थयात्रा चलेगा और मंदिर के दर्शन करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं भक्तगण, आइए आपको सुनाते हैं। ये जो हमारा जत्था जा रहा है, तकरीबन 100 से ऊपर लोगों का जत्था जा रहा है, श्री कटासराज धाम जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, श्री कटासराज धाम ये सिद्ध पीठ है भगवान शंकर का। जब माता सती हुई थी तो दो बूंद भगवान के गिरे थे, एक गिरा पुष्कर राज में, दूसरा गिरा कटास राज में। और आप ये मान के चलिए, ये पृथ्वी के दो नेत्र हैं, ऐसा भी बोला जाता है। और महाभारत के अंदर ऐसा वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला कि आप अमृत कुंड में स्नान कीजिए तो आप समझे आपके समस्त पापों का आपका निदान मिलेगा। और जब पांडव गए थे वन में तो अमृत कुंड गए तो वहाँ यक्ष ने प्रश्न पूछा सारे पांडवों से और सारे पांडव मूर्छित हो गए, तो अंत में जब युधिष्ठिर ने सारे जवाब दिए तो ये अमृत कुंड वहीं है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में विवाद हो गया कि मैं बड़ा कौन है, तो वहाँ पे स्वयंभू भगवान शंकर प्रकट हुए थे, तो श्री कटासराज धाम वो है। तो ये जत्था कितने बंदों का जा रहा है प्रभु जी? 100 से ऊपर का जत्था जा रहा है। क्या बात है, इस बार बीजेपी इतनी काटेगी प्रभु जी? ये तो पता नहीं क्या बात है कि इतना बड़ा हमारा धाम है, हमारा सिद्ध पीठ है भगवान शंकर का, हर बार 100, 150, 200 लोगों से ऊपर का हमारा वीजा लगता नहीं है। और बल्कि मैं तो भारत सरकार से भी और पाकिस्तान सरकार से भी ये मांग करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीजे लगने चाहिए, हज़ारों की तादाद में हमारे भक्तों को वहाँ बुलाना चाहिए। आप देखिए, आप हमारे भक्तों को वीजा देंगे तो वहाँ बाबा का आशीर्वाद पूरे विश्व को मिलेगा। जैसे करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, बिल्कुल बिल्कुल विदाउट वीजा पासपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए कि इसमें कम से कम हमारा एक कॉरिडोर बनना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक मान करता हूँ कि वहाँ पे एक परमानेंट पुजारी भी होना चाहिए जो हमारे बाबा की सेवा करे, मंदिर सवेरे खुले, डेली रुद्राभिषेक वहाँ पर हो। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ पे पूरा साल ना रुद्राभिषेक होता ना जल बाबा पे चढ़ाया जाता है, तो सरकार इस पे भी ध्यान दे कि एक कॉरिडोर कटासराज के लिए बने और वहाँ पर हमारे ब्राह्मण वहाँ बिठाए जाएं जो नियमित। इसे किला कटास के नाम से जाना जाता है। गत वर्ष दिसंबर में पाकिस्तान ने श्री कटास राज मंदिरों की यात्रा के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों को 62 वीजा जारी किए थे, लेकिन इस बार 112 वीजा जारी किया गया है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं यात्री, आइए आपको सुनाते हैं। कटास राज धाम जा रहा है, भोले शंकर जी के दर्शन के लिए जा रहा है और हर साल ही जाते हैं, तकरीबन शिवरात्रि पे जाते हैं। साल में दो बार जाता जाता है वैसे, लेकिन हम शिवरात्रि में जाते हैं मैक्सिमम लोगों का। तो इसमें यह है कि काफ़ी कम लोगों को जत्था मिलता है, वीज़ा मिलता है हमारे को। इस बार भी लगभग 100-125 बंदों को जत्था वीज़ा मिला है और लास्ट टाइम 152 को मिला था। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जत्था काफ़ी लोगों को मिले, कम से कम 1000 लोग जाएँ, 1500 लोग जाएँ। सिखों का जत्था मिलता है 2-3 हज़ार, 5 हज़ार लोग जाते हैं। मुसलमानों को जत्था मिलता है, हिंदू इंडिया आने के लिए खुला जत्था मिलता है, खुला वीज़ा मिलता है, लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी। तो हम तो यही चाहेंगे कि जब तक करतारपुर कॉरिडोर खुला है ऐसे हमारे को पेपर वीज़ा मिले और जाएं और आएं पासपोर्ट दिखा के। त्यौहार को मनाने के लिए शिवरात्रि पे जाएंगे। कटासराज चकवाल जो है पंजाब में, लाहौर से कोई 285 किलोमीटर दूर वहां पर है शिव मंदिर, वहां जाएंगे। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।